वे मुखड़े तो नजरा हटावा नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज के न्यू ब्लॉग में आप सबका मैं राज जैसा कि उन्होंने बोल दिया है, मैं बहुत दिनों बाद स्वागत करता हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तरह से अपने पूरे परिवार का ध्यान रख पा रहे होंगे। नॉर्मल नवरात्रि चल रहे हैं और हम कल की तैयारी में लग चुके हैं। ये उठ चुकी है, मैं गोलू और दूसरा छोटा मोटा गोलू सो रहा है वहाँ पे, मतलब सो गए। वही चीज़ें उठते उठते सिस्टम अपलोड होते होते अपलोड होंगी और चलते हैं। क्या करना जाना है, मुझे जाना है तो कुछ कपड़े वपड़े फैला के आता हूँ, फिर कुछ तैयारी करनी है क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज़्यादा सरप्राइज आने वाला है आप सबके लिए। तो उसकी तैयारी में हम लग चुके हैं, मतलब जब तक आप ये ब्लॉग देखोगे तब तक हम उसकी तैयारी में मतलब निकल चुके हैं यहाँ से। तो कंटिन्यू देखते रहना ब्लॉग, पूरा देखते रहना, बहुत इन्जॉय और बहुत मज़ा आएंगे आपको इसके अंदर। तो चलते हैं, ये मेरा बिस्तर है, ये सब बैठे मिलते हैं, ये मेरी माते हैं। जब ही हिलती डुलती रहते मुझे डर लगता है, बस कुछ समय थोड़े पड़े हैं। नहीं, आपको जॉब नहीं करनी है, मुझे ही नजर कैसे रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बताएंगे उसको उसके बाद में। कुछ नहीं, मैं देखो मेकअप करने को नहीं मिलता है तो इसके वजह से बीमार रहती हूँ। अभी मेकअप करने को मिलने लग जाए ना, अभी ओके हो जाएंगे। तो 2 दिन उन्हें रख दिया है गर्म होने के लिए, मैं चलता हूँ कपड़े डाल के फटाफटा देता हूँ। और आज के दिन काफ़ी लेबर काम, उन सब चीज़ को फटाफट खत्म करते हैं और फिर कल की तैयारी करते हैं। दवाई दे दो अच्छा। दवाई तो दे दो मेरी खाली पेट वाली। हाँ, तो दवाई दवाई से होती है, एंडिंग भी दवाई से होती है, दोपहर का नाश्ता दवाई से होता है। एक्चुअली क्या है, मैंने वो सोच रहा हूँ मेरे सास ससुर ने बहुत पैसे बचाए, तंदुरुस्ती कर करके उनको खिलाया है, तो अब क्या वो दवाई खा करके सारी कमियाँ पूरी की जा रही है। चलिए अभी इन्होंने दवाई खा ली है, आगे क्या करना। मम्मा बोलो, मम्मा मम्मा नहीं दे रहा, मम्मा बोलो पापा। मम्मा अब से तू मारी है पॉटी करेगी, साफ करोगे आप है बाबू? पापा साफ करेंगे पॉटी। कौन साफ करेगा, कौन साफ करेगा बाबू पॉटी, कौन साफ करेगा बच्चे, कौन साफ करेगा? अब नहीं, आवाज निकल रही है। लंच का टाइम हो चुका है, लंच तो वैसे मैंने कर लिया है, जितना दाल चावल हमने खाया था खाली हो चुकी है। तो लंच कर रहे हैं, ये अपना लंच फिनिश कर रही हैं और ये हमारी माता जी हैं जो लंच वंच करके लेट चुके हैं। और बाकी हम बहुत सारी तैयारी भी कर रहे हैं, जो मतलब कल जो वीडियो आएगी उसमें देखने को मिलेगा। कहीं भी प्लानिंग चल रही है जिसको हम बहुत एक्साइटेड होकर के वेट कर रहे थे, तो होने वाला है, तो उसमें तैयारी भी कर रहे हैं। तो बस लंच वंच कम्प्लीट है, चलता हूँ कुछ काम, मुझे उसके लिए मार्केट जाना है, वो करके आता हूँ, फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो मच्छी वगैरह इनकी बन रही है, रेडी है, मेहनत कर रही है, दोपहर से भरी हुई है, नॉर्मली क्या है बाहर की चीज़ें हम नहीं खाने वाले हैं, तो इसके लिए इनसे मेहनत करा और बनाओ, मेहनत करके थोड़े से हाथ पे चलेंगे तो सही रहेंगे। ये देखा, देखा ये, देखा? हाँ देखा है, इसको हाँ वही तो बोल रहे हैं, इसको चक्कू बोलते हैं और इसको इससे लग जाता है तो खून निकल जाता है, सबको पता है कौन सी बड़ी चीज़ है ये। तो मतलब ये बन रही है, फिर ये बनेगा कुछ ऐसा कुछ, उसके बाद में खस्ता बनाएंगी। ये खस्ता क्या होता है? खस्ता ही बोलते हैं हमारे यूपी के अंदर, खस्ता ही बोलते हैं खस्ता। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन रात के 8:30 का टाइम हो रहा है, ये खाना खा रही है, मैं भी थोड़ा चलता हूँ खाना वाना खा लेता हूँ,
लगा के फिर उसके बाद में धीरे धीरे इनकी भी हेल्प मुझे करनी करनी है। अभी थोड़े से पहले मुझसे बर्तन धुलवा दिया था, कैमरा मैंने उठाया नहीं, मैंने क्या जरूरत है, क्यों उठाए फालतू में, रोज रोज में मतलब एहसान दिखाओ कि हाँ यार मेरा तुम मदद, कोई बात नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो अभी मेरे को पैकिंग वगैरह में जितनी हो सकती है इनकी मदद मैं करूँगा, वो चीज़ें मेरी देखते हैं आगे चीज़। पहले मैं सबसे पहले डिनर करा था, दवाई कान थोड़ा कान में मेरे सूजन हो रखा है, तो कान की दवाई लेकर के आया था मैं। पहले खाली पेट की कुछ है वो खा लेता हूँ, फिर बाकी की दवाई और खा करके लैक करता हूँ। फर्स्ट टाइम लगी हुई है, फर्स्ट टाइम में मैं हर फर्स्ट टाइम करती हूं, इतना बना बना के खिला रही हूं। ये तो ये पहली बार बना रही है, ये तो खट्टा बोलते हैं, ये फर्स्ट टाइम अपना बन रहा है, बहुत मेहनत से काफी तरीके से छोटा बच्चा लगा हुआ है, छोटा बच्चा बना रहा है। हाय मेरी जिंदगी क्या से क्या हो गई, कहां मेरी मम्मी खाना बनाती थी मेरे लिए। अपने इंडियन कल्चर के अंदर ना ये चीज चलती है। क्यों कैसे मजे आदमियों के, जरा बताना मुझे। ये खाने में तो पक रहा है ना, ये आदमी लेकर के आते हैं तभी पक जाता है आराम से। आदमियों के बारे में मतलब सोचना नहीं बात है, ये बोल दिया आदमियों के बारे में। आदमी दिन भर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे बाद जाके बाहर वर्क करता है, तब वो चीज़ें तो मैनेज करके लाता है, फिर संभालता है। उसके बाद में अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी वही संभाल लेगा, कुछ गलत से हो जाए तो भी वही समझ लेगा। मैं सुनता हूँ, मुझे पता है ना चीज़ें पॉसिबल हो जाती है उससे। फिर भी उसके बाद आदमी के बड़े मजे हैं, आदमी का तेल निकल जाता है। आदमी सोचते हैं, आदमी क्या सोचते हैं, बैठ के करते हैं बात आराम से। आदमी क्या सोचते हैं, औरतों के कितने मजे हैं, सुबह खाना बना दो शाम का खाना बना, दिन भर मजे मस्त रेस्ट करो। औरतें सोचती आदमियों के मजे हैं, सुबह उठ के चले जाते हैं ऑफिस पे, शाम को अपने घर पे आ जाते हैं, पका पकाया मिल जाता है, खा के सो जाते हैं। पर रियलिटी में दोनों के ही मजे नहीं है, बस इतना है कि दूसरे की थाली में अपने घी लगता है, अपने तो वो हो उसकी थाली में घी है, वो बहुत मजे से दे रहा है। तो भाई सीधी बात है, अपनी हैबिट है तो अपन सबकी, हर जगह बोलता है कि दूसरे की थाली में अपने घी दिखता ही दिखता है। मतलब पति पत्नी तो फिर एक ही थाली है, पर फिर भी है ये चीज़ें, अपन इसका कुछ कर नहीं सकते हैं। पता नहीं कितने जमानों से चली आ रही है, पता नहीं कितने जमानों से चलेगी, ये मतलब समझ से बाहर है चीज़ को। फिर कोई नहीं, अब वो खस्ता वगैरह बना रही है जिसको ठेकुआ भी बोलते हैं, ज़्यादातर ये चीज़ छत में बनती है। पर इसको मैं अभी क्यों करवा रहा हूँ, जाएंगे सफ़र में बाहर की चीज़ें थोड़ी कम खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इन चीज़ों के लिए, और थोड़ा मुझे अच्छा भी लगता है, तो इसके लिए बना के लेके चल रहे हैं। क्योंकि 4-5 दिन रहेंगे तो नाश्ता वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़र पर आप जाते हैं ये चीज़ें बहुत अच्छी रहती, थोड़ी सी मेहनत होती है, पर आपको एक घर का हेल्दी खाने के लिए मिल गया। जहाँ मजबूरी पड़ गई भाई वहाँ तो खाना ही खाना है, पर जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना बहुत अच्छा है। अब थोड़ी देर में हम पैकिंग वगैरह शुरू करेंगे, तो उसमें लगेंगे लंच लंच डिनर वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है, बस वो बना के आएंगे और सर्विस करेंगे फिर पैकिंग पे। अब बोलो, अब बोलो क्या बोला, ऑलरेडी एक बार मेरे साथ धुला है, अब फिर वापस से धुलवा लेंगे। और अभी इतने बर्तन हो गए जो मुझे धोने हैं, नहीं पति लोग तो कुछ करते नहीं है ना, कढ़ाई में कूदने की प्लानिंग कर रहे हो, चढ़ते चढ़ते देरी ऊपर ही पहुंच गई हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे से नया एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे, क्या करूँ। मुझ तो चीज़ है जो अपने को नहीं, फर्स्ट टाइम बनाई, अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग। नहीं होगा तो भाभी से पूछूंगी, मेरी भाभी जिंदगी का जेठानी जी, जेठानी जी उसके। अरे अब क्या, अब तो यार मिटिगेट कर लिया मैंने। टाइम हो रहा है रात का 11:37, और ये हमारा जाने का जो सामान है पूरा पैक कर लिया है हमने, खाने पीने की जो चीज़ें थी वो भी बना ली गई है, सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब चलता हूँ, ये वीडियो को फटाफट मैं ऐड करूँगा, ऐड वगैरह करके अपलोड करके पब्लिश में आके फिर सोऊंगा। कल आपको मॉर्निंग में मतलब 10 तारीख को मॉर्निंग में मिल जाएगी देखने के लिए। और ये हाँ, ये हमारा नाना की लड़का है, रात का लेना बहुत जल्द पंचपाई करने लग गई है अपनी मम्मी के साथ में, कि हाँ मैं चुप रही हूँ, मम्मी आई तो मम्मी ये करो, तो वो चला था। तो खैर इनका जो भी है ये अपने खेलने में लगी हुई है, अपनी मम्मी को दिखाने के लिए आ चुकी है। तो गाइस पूरे ब्लॉग को मैं यही समाप्त करता हूँ, और चलता हूँ ड्रिंक पे बैठता हूँ, ड्रिंक करके अपलोड कर दूंगा। ब्लॉग पूरा देखा, थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे हो संभाल लेना यार दोस्तों, क्योंकि बहुत दिनों बाद वापस से रिस्टार्ट किया ब्लॉग को, कंटिन्यू आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में। अगला जो व्लॉग आने वाला है वो बहुत एक्साइटिंग होगा, और आपको बहुत मजा आएगा उसको देखने के अंदर, क्योंकि जैसा कि आप देख चुके हो
ट्रिप की पूरी तैयारी हो चुकी है, तो अब आने वाले जो ब्लॉग्स हैं आपको बहुत मजा आएगा। मतलब कमर की पेटी कस के रेडी रहो और आपको जो इन्जॉयमेंट मिलेगी और जो सुकून मिलेगा और जो मतलब मैं आपको बयां नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, मतलब अल्टीमेट है। आपको ब्लॉग के अंदर नहीं देखने को मिला था ना, अब वो देखना शुरू हो जाएगा आपको। तो अब तक जिसे सबर किया था ना, अब मजा आएगा। और कोई नया बंदा है जो मुझे पहली बार देख रहा है तो सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, कमेंट जरूर करना वीडियो का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपको बहुत अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं भी जल्दी एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से रात हो, हम मतलब रात तो खैर चल ही रही है, मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से सुबह और हम फटाफट निकले यहाँ से, बस कल के दिन जल्दी जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, बाय।